Hey guys, I hope you are doing well. This side Neil Gagan, an engineer and a digital network marketing expert. आज मैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। हमारी बॉडी डेली बेसिस का बहुत सारा पॉल्यूशन बाहर से इनटेक करती है। उस पॉल्यूशन को बाहर निकालने के लिए आपको कोई ना कोई न्यूट्रिशन बाहर से लेना ही पड़ेगा। एक जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है आने वाले टाइम पे, या मतलब अभी हाल फिलहाल में, वो है कहीं ना कहीं कैंसर की जो सेल है हमारी बॉडी में वो एक्टिव नहीं है। हर एक पर्सन की बॉडी में कैंसर की सेल होती है, बट जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हद से ज़्यादा आप इंटेक कर लेते हो, या टॉक्सिन्स बॉडी में हद से ज़्यादा हो जाते हैं, या कुछ भी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें उस सेल को एक्टिव होने का एक कारण मिल जाता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे मे बी हो ना हो आप भी उस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हो, उस मर्ज का शिकार हो सकते हो। क्योंकि WHO ने आज ये बोल दिया है कि आने वाले टाइम पे 5 में से 3% को डायबिटीज़ होगी, आने वाले टाइम पे 5 में से 1% को कैंसर होगा ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल। इसको जैसे ही आप इंटेक करते हो, चाहे आपको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो, चाहे आपको सेकेंड या थर्ड स्टेज का, या मतलब आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फ्लश आउट करता है आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स निकलेंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है खाना अच्छी तरीके से लगेगा, पोषण अच्छी तरीके से लगेगा, आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। तो अगर आपको कोई पर्सन ऐसा मिलता है जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी से रिलेटेड मेजर इश्यूज हैं, तो आप उसको एलोवेरा इंटेक कराइए, और स्टार्टिंग में उसको कम मात्रा में, अगर 240 ml उसमें लिखा है पर सर्विंग, तो आप कम से कम 30-20 ml दीजिए। फिर उसका डोज बढ़ाते रहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। जैसे जैसे बॉडी उसको अपनी तरीके से अपने एनवायरनमेंट में उसको ढाल लेगी, उस हिसाब से वो डोजेस को बढ़ा सकता है और डेफिनेटली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पा सकता है। तो आप इसका यूज़ करिए, और उन सब लोगों को भी यूज़ कराइए जिनको इसकी नीड है। थैंक यू।